10 मोस्ट लग्जूरियस प्रिजन्स इन द वर्ल्ड, दुनिया की 10 सबसे शानदार जेल। दोस्तों, जेल शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी जगह का ख्याल आता है जहां दुनिया का कोई भी इंसान जाना नहीं चाहता। हम सभी जानते हैं कि जेल ऐसे लोगों को सजा देने के लिए बनाया जाता है जो कानून का उल्लंघन व संगीन अपराध करते हैं। हम सोचते हैं कि अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए जेलों के अंदर किसी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन यह बात पूरी तरह सत्य नहीं है। जहां एक तरफ दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक जेल मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ जेल ऐसे भी हैं जहां अपराधियों को किसी 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। आज टॉप 10 हिंदी की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे शानदार और आरामदायक जेलों के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, जस्टिस सेंटर। जस्टिस सेंटर नाम की एक छोटी जेल ऑस्ट्रिया के लेबनन शहर में स्थित है। इस जेल को ऑस्ट्रिया की सबसे आरामदायक जेल माना जाता है। साल 2004 में बनी इस जेल में छोटे छोटे अहिंसक अपराध करने वाले कैदियों को कैद किया जाता है। इस जेल में सजा काटने के लिए जाना किसी भी अपराधी को बुरा नहीं लगता। इसका मुख्य कारण है कि इस जेल में मिलने वाली सुख सुविधाएं। बाहर से देखने पर यह जेल आज के जमाने की कोई शानदार यूनिवर्सिटी जैसा नजर आता है। इस जेल में प्रत्येक कैदी को एक अलग कक्ष में कैद किया जाता है। ये कक्ष सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित होता है। प्रत्येक कक्ष में टेलीविजन, बाथरूम, लेखन डेस्क, फ्रिज और यहाँ तक कि एक छोटा सा किचन भी मौजूद है। बाहर कैदी कई प्रकार के मनोरंजक गतिविधियों जैसे कसरत, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और कंप्यूटर गेम्स का मजा ले सकते हैं। किताबों के शौकीनों के लिए यहाँ एक शानदार लाइब्रेरी भी बनाई गई है। इस जेल के अंदर सिर्फ 205 कैदियों को कैद करने की क्षमता है। सिर्फ भाग्यशाली अपराधियों को ही इस जेल में जाने का मौका मिलता है। नंबर 9, हर मैजेस्टीज प्रिजन एडीवेल। हर मैजेस्टीज प्रिजन एडीवेल नाम की ये जेल स्कॉटलैंड के एडीवेल में स्थित है। इस जेल को एक लर्निंग प्रिजन यानी कार्य कौशल सिखाने वाली जेल के रूप में जाना जाता है। इस जेल को स्कॉटलैंड की सोडेक्सो जस्टिस सर्विस नाम की एक प्राइवेट कंपनी चलाती है। इस जेल को साल 2008 में शुरू किया गया था। ये जेल सिर्फ व्यसक पुरुषों के लिए ही बनाया गया है। ये जेल एक समय में 796 कैदियों को रखने की क्षमता रखता है। कैदियों को कार्य कौशल सिखाने के मामले में ये जेल दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ मौजूद कैदी हर हफ्ते अपने 40 घंटे कार्य सीखने वाली इस क्लासों में बिताते हैं। यहाँ कैदियों को इस प्रकार का कार्य कौशल सिखाया जाता है कि बाहर निकलने के बाद उन्हें आसानी से नौकरी मिल जाए। इस जेल में रहने का अनुभव कॉलेज के किसी 5-स्टार हॉस्टल में रहने जैसा होता है। नंबर 8, क्विनजेंग प्रिजन। चीन के बीजिंग शहर में स्थित क्विनजेंग प्रिजन जेल को दुनिया की सबसे आरामदायक और सुख सुविधाओं से सुसज्जित जेलों में शुमार किया गया है। यह जेल खास तौर पर राजनीतिक नेताओं और हाई प्रोफाइल लोगों को कैद करने के लिए बनाया गया है। इस जेल का निर्माण 1958 में किया गया था। उस समय जेल को युद्ध में पकड़े गए अपराधियों को कैद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन 90 के दशक में इस जेल को पूरी तरह बदलकर एक शान शौकत वाली जेल में परिवर्तित कर दिया गया। इस जेल के अंदर प्रत्येक कैदी को एक बड़ी और आरामदायक कोठरी में कैद किया गया है। इस कोठरी में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। प्रत्येक कोठरी में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा, मेज, टॉयलेट और नहाने के लिए गर्म पानी व शॉवर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा इस जेल में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी उम्र, तबीयत व अपराध की गंभीरता के अनुसार अलग अलग प्रकार का खाना दिया गया है। यहाँ कैदियों को विभिन्न प्रकार के खेल खेलने, किताबें पढ़ने और एक्सरसाइज करने की सुविधा भी दी जाती है। नंबर 7, बेस्टॉय प्रिजन। बेस्टॉय प्रिजन एक ऐसी न्यूनतम सुरक्षा जेल है जहाँ एक बार जाने के बाद कैदी जिंदगी भर वहीं रहने की इच्छा जताते हैं। ये आरामदायक जेल नॉर्वे के बेस्टॉय आइलैंड पर मौजूद है। इस जेल के अंदर सिर्फ 115 कैदियों को रखने की क्षमता है। इस जेल में जाना एक सजा से ज्यादा छुट्टी बढ़ जाने जैसा महसूस होता है। इस जेल में कोठरियों की जगह छोटे छोटे खूबसूरत झोपड़ी नुमा घर बने हुए हैं। सभी कैदी इन्हीं घरों में कैद किए जाते हैं। इन घरों के अंदर आराम और मनोरंजन के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इस जेल में रहने वाले कैदी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं, जिनमें घुड़सवारी, मछली पकड़ना, धूप सेंकना, टेनिस खेलना और खेती बाड़ी करना आदि शामिल है। यहाँ रहने वाले कैदी अक्सर ये भी भूल जाते हैं कि वो कैदी हैं। कैदियों पर नजर रखने के लिए यहाँ सिर्फ 69 जेल कर्मचारी मौजूद हैं, जो रात होने तक सिर्फ 5 रह जाते हैं। इतनी कम सुरक्षा होने के बावजूद कोई कैदी यहाँ से भागता नहीं है। नंबर 6, अरेंजवेस प्रिजन। अक्सर देखा जाता है कि जेल जाने वाला व्यक्ति अपने परिवार और बच्चों से दूर हो जाता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा जेल भी है जो कैदियों के साथ उनकी फैमिली को भी जेल में रहने की अनुमति देता है।
स्पेन की एरंजुएस प्रिजन एक ऐसा जेल है जहां लंबी सजा काट रहे कैदियों को ये सुविधा दी जाती है कि वो अपने पास अपनी फैमिली को भी जेल में रहने के लिए बुला सकते हैं। ज्यादातर परिवारों में छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए इन छोटे बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए जेल के अंदर ही खास प्रकार का स्कूल बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ बच्चों के खेलने के लिए खेलने का खास स्थान भी बनाया गया है। बच्चों के दिमाग को जेल के बुरे असर से बचाने के लिए यहाँ मनोचिकित्सक भी हमेशा रहते हैं। इस जेल के अंदर वो हर सुविधा दी गई है जो एक फैमिली के लिए जरूरी है। क्या दुनिया की हर जेल में ये नियम लागू होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। नंबर 5, हाल्डन प्रिजन। हाल्डन प्रिजन को दुनिया के सबसे शानदार और आरामदायक जेलों में शुमार किया गया है। नॉर्वे में स्थित इस जेल के अंदर वो सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं जो एक आम आदमी अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। ये दुनिया की पहली ऐसी जेल है जहाँ एक पूरी तरह से सुसज्जित रिकॉर्डिंग स्टूडियो मौजूद है। ये ऐसे अपराधियों के लिए एक परफेक्ट जेल है जो संगीत का शौक रखते हैं। संगीत और गायकी का शौक रखने वाले कैदी स्टूडियो में अपने संगीत रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस जेल में संगीत सिखाने की क्लासेस भी दी जाती हैं। इसके अलावा इस जेल में खाना बनाने और लकड़ी की कारीगरी सिखाने की प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किताबें पढ़ने के शौकीनों के लिए इस जेल में एक शानदार लाइब्रेरी भी बनाई गई है। हर रोज सुबह शाम कैदी जॉगिंग के लिए जाते हैं। प्रत्येक कैदी का अपना एक अलग कमरा है जिसमें LED टीवी, फ्रिज और नहाने के लिए शॉवर जैसी सुविधाएं दी गई हैं। ऐसी जेल में जाने के लिए तो लोग जानबूझकर अपराध करते होंगे। नंबर 4, ओटागो करेक्शंस फैसिलिटी। न्यूजीलैंड के ओटागो में मिल्टन नाम के कस्बे के पास बनी ओटागो करेक्शंस फैसिलिटी नाम की यह जेल दुनिया की सबसे शानदार और आरामदेह जेलों में एक है। इस जेल में प्रत्येक कैदी के लिए आरामदायक कमरे बनाए गए हैं। इन कमरों में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। कैदियों को न्यूजीलैंड की सर्दी से बचाने के लिए इस जेल में अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम लगाया गया है। मनोरंजन के लिए प्रत्येक कमरे में टेलीविजन मौजूद है। किताबों के शौकीनों के लिए एक बढ़िया लाइब्रेरी भी बनाई गई है। कैदियों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार की मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ कैदियों को उनकी पसंद के अनुसार कार्य कौशल सिखाने के लिए खास प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि बाहर निकलने के बाद इन लोगों को आसानी से काम मिल सके। नंबर 3, ओनोमिची प्रिजन। जापान का ओनोमिची प्रिजन दुनिया की सबसे खास जेलों में से एक है। ये खास जेल सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए बनाया गया है। दरअसल जापान के अंदर बूढ़े लोगों द्वारा बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए इस जेल का निर्माण किया गया था। इस जेल में जाने वाले कैदियों की उम्र 70 या उससे अधिक होनी चाहिए। यहाँ जाने वाले ज्यादातर सभी अपराधी छोटे मोटे जुर्म की सजा काटने वाले होते हैं। इस जेल में सभी कैदियों को अलग अलग कक्ष में रखा जाता है। इन सभी कैदियों के कक्षों में टेलीविजन, मेज व कुर्सी, सिंक और टॉयलेट की सुविधा होती है। जेल में मौजूद इन बूढ़े कैदियों की सेहत का भी खास ख्याल रखा जाता है। प्रत्येक कैदी को उसकी सेहत के अनुसार डॉक्टर द्वारा बताया गया उपयुक्त भोजन दिया जाता है। इसके अलावा सभी कैदियों को समय पर दवाई खिलाने का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। इस जेल में तैनात किए गए कर्मचारियों को बूढ़े लोगों का ध्यान रखने का खास प्रशिक्षण दिया गया है। नंबर 2, सैंटा एना जेल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सैंटा एना नाम का ये जेल अन्य सभी जेलों से बिल्कुल अलग है। ये एक पे टू स्टे जेल है, जिसका मतलब इस जेल में रहने के लिए आपको पैसे चुकाने होते हैं। ये जेल छोटे छोटे अपराध करने वाले ऐसे कैदियों के लिए बनाया गया है जो एक साधारण जेल में सजा नहीं काटना चाहते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतना धन होता है कि वो जेल में सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पैसा चुकाने को तैयार होते हैं। ऐसे लोग सैंटा एना जेल में जाकर अपनी सजा काटते हैं। इस जेल में एक साल रहने के लिए कैदियों को लगभग 30 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं। इस पैसे के बदले में कैदियों को वो सभी सुविधाएं दी जाती हैं जिसकी एक व्यक्ति जेल में रहते हुए कल्पना कर सकता है। इस जेल में कैदियों को बाहर निकलने के अलावा लगभग सब कुछ करने की आजादी है। इस जेल के नियम न्यूनतम स्तर पर होते हैं। नंबर 1, सैन एंटोनियो प्रिजन। वेनेजुएला में स्थित सैन एंटोनियो प्रिजन नाम की इस जेल को पार्टी प्रिजन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कारण है इस जेल के अंदर का माहौल। मार्गरीटा आइलैंड पर स्थित इस जेल के अंदर हर समय पार्टी जैसा माहौल रहता है। इस जेल के नियम बिल्कुल सख्त नहीं है। यहाँ सजा काटने के लिए जाने वाले कैदी बड़े आराम और मौज मस्ती से अपना समय बिताते हैं। इस जेल के बाहर चारों तरफ गार्ड्स हर समय कड़ा पहरा देते हैं। इसके अलावा स्नाइपर राइफल लिए गार्ड्स पहरे की मीनार पर हमेशा निशाना लगाए बैठे रहते हैं। लेकिन ये सुरक्षा सिर्फ बाहर के लिए है। अंदर कैदी अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। इस जेल में स्विमिंग पूल, बारबेक्यू, लाइव संगीतकार और स्नूकर टेबल जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इस जेल के बारे में कहा जाता है कि कैदी इस जेल से बाहर जाने के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।